हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन की, जिसका नाम है फिटिग रिएक्शन। ठीक है, फिटिग अभिक्रिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो कॉन्सेंट्रेट होकर यहाँ पर देखना है और कॉपी में नोट डाउन भी करना है। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। फिटिग अभिक्रिया होती क्या है। जब एरिल हेलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, है ना, एरिल हेलाइड के कितने अणु, दो अणु और सोडियम धातु Na, इन दोनों की क्रिया होगी किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, डाइफेनिल बनता है, ये मेन प्रोडक्ट है, ये बनेगा। तो इस अभिक्रिया को कहेंगे हम फिटिग अभिक्रिया। रिएक्शन देख लेते हैं। एरिल हेलाइड, तो एरिल हेलाइड यानी कि बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से कोई एक हेलोजन परमाणु अटैच होगा, है ना। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया एरिल हेलाइड। इसके कितने अणु लेना है हमें, दो अणु लेना है, तो दो अणु ले लेते हैं। ये दो अणु हो गए, एक एरिल हेलाइड और ये दूसरा एरिल हेलाइड। ठीक है, इसकी इन दोनों की क्रिया किससे होगी, सोडियम धातु के साथ, प्लस 2Na। 2Na क्यों लिया, क्योंकि यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि 2Cl है, और 2Cl को बाहर करने के लिए 2Na की जरूरत पड़ेगी। मैंने पहले भी रिएक्शंस में बताया था कि जब Na एंड Cl आपको दिख जाए तो उसको NaCl के रूप में एग्जिट का रास्ता दिखा देना है, है ना। तो अब बाहर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ये दो क्लोरीन और ये दो सी एल, ये दोनों बाहर हो जाएंगे किसके रूप में, 2NaCl के रूप में बाहर हो जाएंगे। अब बचा क्या, एक फेनिल रिंग और दूसरी फेनिल रिंग, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, है ना। तो 2Na और 2Cl दोनों 2NaCl के रूप में बाहर हो जाएंगे। अब बचा क्या, एक फेनिल रिंग ये और दूसरी फेनिल रिंग ये, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा डाइफेनिल, है ना। ये प्रोडक्ट बन गया हमारा डाइफेनिल। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होना है यहाँ पर, और इसकी जो थ्योरी है वो भी इजी है। कुछ नहीं करना है कि एरिल हेलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ अगर शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो क्या बनता है, डाइफेनिल बनता है, इसे हम फिटिग अभिक्रिया कहेंगे, है ना। रिएक्शन क्या है, एक एरिल हेलाइड का अणु ये, है ना, यहाँ तक ये वाला, और एक एरिल हेलाइड का अणु ये। ठीक है, ये फर्स्ट या सेकेंड, दो अणु हो गए एरिल हेलाइड के, और इसकी क्रिया किससे होगी, सोडियम धातु के साथ, ये 2Na, है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो 2Na और 2Na और 2 क्लोरीन ये बाहर हो जाएंगे NaCl के रूप में। अब बचा क्या, एक फेनिल रिंग, दूसरी फेनिल रिंग, दोनों को आपस में जोड़ के कंबाइन करके लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये बन गया डाइफेनिल। आई थिंक रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।